सुप्रभात बच्चों, कक्षा दो हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ एक, जो है पाठ एक हुआ सवेरा। हुआ सवेरा, तो बच्चों पाठ एक हुआ सवेरा एक कविता है। तो बच्चों पाठ एक हुआ सवेरा एक कविता है जिसे कल हम पढ़ रहे थे। बच्चों इस कविता में हमने पढ़ा कि किस तरह से जब सुबह होती है, सवेरा होता है, तो पंछी अपना डेरा छोड़कर निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं बच्चों? पंछी अपना डेरा छोड़कर अपने काम में निकल जाते हैं। उनका काम है दाना और पानी का तलाश करना। तो बच्चों अपने जीवन जीने के लिए उन्हें खाने और पीने की ज़रूरत पड़ती है। यह खाना पीना वह दाना और पानी के रूप में उसका व्यवस्था करते हैं। तो सुबह निकल जाते हैं, फिर शाम को लौटते हैं। तो सुबह सुबह वह अपना डेरा छोड़कर, अपना घर छोड़कर दाना पानी की तलाश में निकल जाते हैं। उसके बाद बच्चों आसमान में लाली छा जाती है और जो हवा है वह ठंडी ठंडी धीमी धीमी हवा चल रही होती है। उसके बाद बच्चों दूसरी पंक्ति में हमने देखा कि बिखरे थे जो मोती के दाने, लगे सिमटने कैसे जाने। बच्चों आप सभी जानते हो कि जब हम सुबह उठते हैं तो ओस के मोती जैसे गोल गोल दाने हमें पानी के रूप में, पानी की बूंद के रूप में हमें पत्तों पर दिखाई, हम देख सकते हैं। तो ये जो मोती रूपी पानी के बूंद है बच्चों, या कुछ ही क्षण बाद गायब हो जाते हैं। क्यों गायब हो जाते हैं? क्योंकि जैसे जैसे धूप बढ़ती है या सूरज की गर्मी तेज होती है, बढ़ती है, यह उड़ जाते हैं। उसके बाद बच्चे नन्ही नन्ही किरणें, जो छोटी छोटी किरणें हैं, अभी निकल ही रही हैं किरणें क्योंकि सूरज उग रहा है, इन किरणों को देख करके फूल और कलियां हैं वह भी हंसने और मुस्कुराने लगते हैं। उनको भी सूरज के निकलने की खुशी होती है। फिर जो कवि हैं हमें प्रेरित करते हैं, हमें कहते हैं कि तुम भी उठो, व्यायाम करो और तुम कुछ योगा करो, व्यायाम करो और भाग दौड़ करो, जिससे तुम्हारे शरीर में भी चुस्ती फुर्ती और ताकत आए, ताकि मेहनत करके अपना नाम कमा सके। तो बच्चों हमारे जीवन का मकसद ही होता है मेहनत करना, अपने जीवन में कुछ काम करना, नाम कमाना। तो कभी हमें प्रेरित करता है कि हम उठें, आगे बढ़े जीवन में, मेहनत करें और नाम कमाएं। और बच्चों आप सभी जानते हो स्वस्थ रहने के लिए योगा और व्यायाम ज़रूरी है। तो कभी हमें कहते हैं कि हमें व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए और भाग दौड़ करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहें और हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती भी आए। तो बच्चों इसी के साथ हमने कविता दोहरा ली है, हमने शब्द अर्थ कर लिया था और कठिन शब्द भी कर लिए थे। आज हम मौखिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, मतलब को दोहराएंगे। हमने मौखिक प्रश्न कर लिया था, आज एक बार हम उन्हें दोहराएंगे, फिर प्रश्न उत्तर करेंगे और फिर जो आज का पाठ करेंगे। तो जो भी हमने कल किया था पहले एक बार हम दोहराएंगे, उसके बाद आगे का पाठ करेंगे। तो बच्चों कल हमने किया था मौखिक प्रश्न। जैसा कि आप जानते हैं मौखिक प्रश्न हम लिखते नहीं हैं, सिर्फ हम बोलकर सुनकर इसे समझते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारा अगला प्रश्न है मौखिक प्रश्न। मौखिक में हमारे पास पहला प्रश्न, तो बच्चों सवेरा होने पर क्या हुआ? सवेरा होने पर पंछी अपना डेरा छोड़कर उड़ गई और निकल गई। बच्चों कहाँ निकल गई? पंछी अपना डेरा छोड़कर दाना पानी की तलाश में निकल गई। तो हम लिखेंगे, हम करेंगे, पंछी अपना डेरा छोड़कर दाना पानी की तलाश में निकल गई। सुबह के समय कैसी हवा चली? बच्चों आप सभी जानते हो सुबह के समय धीमी शीतल हवा चलती है, मंद शीतल हवा चलती है। सुबह के समय मंद शीतल हवा चलती है। उसके बाद नन्ही किरणों के आने पर क्या हुआ बच्चों? नन्ही किरणों के आने पर बच्चों क्या हुआ? नन्ही किरणों के आने पर फूल हंसने लगे और कलियां मुस्कुराने लगी। नन्ही किरणों के आने पर फूल हंसने लगे और कलियां मुस्कुराने लगे। तो बच्चों यह था हमारा मौखिक प्रश्न। उसके बाद हमने दोहराया था बच्चों समान अर्थ वाले शब्द। तो चलिए इन समान अर्थ वाले शब्दों को भी एक बार कर
कि हम इसका अभ्यास कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का करेंगे। तो बच्चों हमने भाषा बोध में कल किया था पहला प्रश्न, प्रश्न एक था शब्दों, यहाँ पे हमें शब्द दिए गए हैं बच्चों और शब्दों के पार्ट एक हम साफ साफ लिख दें, पार्ट एक हुआ सवेरा। प्रश्न एक में बच्चों हमारे पास है भाषा बोध, भाषा बोध में हमारे पास है शब्दों को समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाओ, शब्दों को समान अर्थ वाले वाले शब्दों से मिलाओ। यहाँ पे हमें कुछ समान अर्थ वाले शब्द दिए गए हैं, हमें पहले कॉलम में कुछ शब्द दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में कुछ और शब्द दिए गए हैं, तो एक दूसरे के समान अर्थ वाले शब्द हैं दोनों कॉलम में बच्चों, एक दूसरे के समान अर्थ वाले शब्द हैं, इन शब्दों का हमें मिलान करना है। तो आप देख सकते हैं पहला शब्द है सूरज, पहला शब्द है सूरज सूरज, दूसरा शब्द है पंछी, तीसरा शब्द है बच्चों घोड़ा, घ घ पर ओ की मात्रा, घो र पर आ की मात्रा, घोड़ा। तीसरा शब्द है बच्चों सवेरा, स व पर ए की मात्रा, वे र पर आ की मात्रा, रा। सूरज, पंछी, घोड़ा, सवेरा और आखिरी इसके बाद है आसमान, आ स मा और न आसमान, और इसके बाद आखिरी शब्द है बच्चों तन, त और न तन। तो बच्चों सूरज, पंछी, घोड़ा, सवेरा, आसमान, तन। उसके बाद दूसरी पंक्ति में बच्चों हमारे पास कुछ और शब्द है, जैसे कि आकाश, आ का श आकाश। उसके बाद हमारे पास है शरीर, श री र शरीर। फिर है सूर्य, सूर्य। उसके बाद है अश्व, अ आधा श और व अश्व। उसके बाद है भोर और पक्षी, भ भ परों की मात्रा, भोर भोर और पक्षी, भोर और पक्षी। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे दो कॉलम में दो पंक्तियों में हमें शब्द दिए गए हैं, पहला है सूरज, पंछी, घोड़ा, घोड़ा, सवेरा, सवेरा, आसमान, तन। अब बच्चों हमें करना क्या है, यहाँ समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ वाले शब्द का मतलब होता है वह शब्द जिनके अर्थ एक समान हो, वह शब्द जिनके अर्थ एक समान हो। यहाँ पे दो पंक्तियों में शब्द दिए गए हैं, पहली पंक्ति के शब्द के समान अर्थ वाले शब्द दूसरी पंक्ति में दिए गए हैं, हमें उनका मिलान करना है। बच्चों जब भी किसी भी शब्द का अर्थ एक समान होता है तो हम उसे समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं या समानार्थी शब्द भी कहते हैं, एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अब बच्चों जब किसी भी शब्द का एक से अधिक मतलब होता है तो हम उसे पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, तो वह भी इनके अर्थ ही हुए, कितने भी अर्थ हैं, जितने दो तीन चार जो भी अर्थ हैं वह सभी समान अर्थ वाले शब्द होंगे, तो पर्यायवाची शब्द को भी हम समानार्थी शब्द कह सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों चलिए हम इनका मिलान करते हैं, मिलान में बच्चों आकार सूरज है सबसे पहले, सूरज, सूरज का दूसरा नाम या दूसरा अर्थ वाला उसी अर्थ वाला दूसरा शब्द है सूर्य, सूरज को हम सूर्य भी कहते हैं, तो हम सूरज को सूर्य से मिलाएंगे, पंछी, पंछी को किससे मिलाएंगे, पंछी को पक्षी से मिलाएंगे, पंछी और पक्षी दोनों का अर्थ एक ही होता है तो हम पंछी को पक्षी से मिलाएंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास है घोड़ा,
घोड़ा मतलब अश्व होता है, तो हम घोड़ा को अश्व से मिलाएंगे। उसके बाद सवेरा, सवेरा को हम भोर से मिलाएंगे। सवेरा यानी भोर, भोर मतलब सुबह या सवेरा। उसके बाद आसमान, आसमान को हम आकाश से मिलाएंगे। उसके बाद तन, तन मतलब शरीर, तो हम तन को शरीर से मिलाएंगे। तो बच्चों इस तरह से हमारा पहला अभ्यास खत्म हुआ। ये हमने कल पढ़ा था, इसे हमने आज दोहरा लिया। चलिए एक बार फिर दोहराते हैं। समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ वाले शब्द का मतलब होता है एक जैसे अर्थ वाले शब्द, और कब जब किसी शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं तो हम उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो बच्चों पर्यायवाची शब्द भी समानार्थी शब्द होते हैं, हम इन्हें समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द या समान अर्थ वाले शब्द भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे पहली पंक्ति में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके समान अर्थ वाले शब्द दूसरी पंक्ति में दिए गए हैं, हम इनके समान अर्थ वाले शब्दों से इनका मिलान करना है। सूरज का सूर्य, पंछी का पक्षी, घोड़ा का अश्व, सवेरा का भोर, आसमान का आकाश और तन का शरीर। तो बच्चों इस तरह से हमने इसका इनका मिलान करके यह अभ्यास पूरा कर लिया। तो चलिए हम अब दूसरा आज का अभ्यास शुरू करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है भाषा बोध का अभ्यास दो। दो में हमारे पास है बच्चों तुक वाले शब्द, दो में हमारे पास है समान तुक वाले दो दो शब्द लिखो। प्रश्न हमारा दो है, समान तुक वाले दो दो शब्द लिखो। प्रश्न दो, समान तुक वाले दो दो शब्द लिखो, दो दो शब्द लिखो। तो बच्चों यह है हमारा दूसरा प्रश्न, समान शब्द वाले समान तुक वाले दो दो शब्द लिखो। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ दिया गया है लाली, पहला है लाली, लाली। उसके बाद दूसरा शब्द है छाई, छाई, छाई। फिर है हमारे पास बच्चों छाई के बाद हमारे पास है त और न, तन। उसके बाद है थो, थ पर ओ की मात्रा थो, ड पर आ की मात्रा रा, थोड़ा। अब हम यहाँ लिखेंगे दो दो तुक वाले शब्द, सभी के लिए हम लिखेंगे दो दो तुक वाले शब्द। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं तुक का मतलब क्या होता है, क्या आप जानते हैं तुक का मतलब क्या होता है? जब बच्चों हम किसी भी शब्द को पढ़ते हैं तो उसके पढ़ते समय जो आखिरी का शब्द होता है एक समान होता है, तो पढ़ते समय एक लय बनता है, एक तुक बनता है। तो चलिए हम इसे करके देखते हैं, जब हम करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इन प्रश्नों में तुक बन रहा है। तो चलिए हम पहले इन्हें करके देखते हैं तुक वाले शब्द। तो बच्चों आखिरी शब्द एक होने की वजह से जब हम इनको पढ़ते हैं तो जो तुक एक लय बनता है उसे हम तुक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे है ला और ली, तो हम ऐसे दो शब्द लिखेंगे जिसका आखिरी शब्द ली हो, और जब हम उसे पढ़ेंगे तो एक जैसा स्वर आएगा या लय आएगा। चलिए हम लिख करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है लाली लिखेंगे, दूसरा शब्द लिखेंगे माली, लाली माली। उसके बाद हम लिखेंगे त, त पे आ की मात्रा ता ली, ताली, ला ली, लास्ट में लाली था, ला ली, मा ली, ताली। जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो तुक बन रहा है लाली माली ताली, क्योंकि आखिरी शब्द तीनों में एक ही है, एक ही शब्द होने की वजह से इन शब्दों में तुक बन रहा है। इसी तरह हम छाई, छाई में भी हम ऐसे शब्द लिखेंगे जिसके साथ इसका तुक बने। तो बच्चों छाई, छाई के साथ हम लिख सकते हैं ख, ख पर आ की मात्रा खा ई,
खाई, फिर है भ, भ पर आ की मात्रा भाई, भाई, तो ये बना छाई, खाई और भाई। यहाँ पे भी आखिरी शब्द एक होने की वजह से या वर्ण एक होने की वजह से यहाँ पे भी तुक बन रहा है, एक लय बन रहा है। छाई, खाई, भाई। उसके बाद त, न, तन। अब तन के लिए हम लिखेंगे म, न, मन, ध, न, धन। तो यहाँ पे भी तुक बन रहा है। मन, तन, तन में न आखरी है, मन में भी न आखरी है और धन में भी न आखरी है। तो जब हम इसे पढ़ रहे हैं तन, मन, धन, तो एक तुक बन रहा है, इसलिए हम इन्हें तुक वाले शब्द कहते हैं। तन, मन, धन। उसके बाद है थोड़ा। थोड़ा का होगा छोड़ा, छोड़ा या फिर घोड़ा, घोड़ा, छोड़ा, घोड़ा। थोड़ा शब्द है यहाँ पे थोड़ा। थोड़ा का समान तुक वाले शब्द में छोड़ा, छोड़ा में भी डा है, घोड़ा, घोड़ा में भी डा है। तो चलिए हम इसे एक बार पढ़ करके देखते हैं बच्चों। इन सभी शब्दों को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक तुक बन रहा है। तो ये जैसे कि लाली, माली, ताली। लाली, माली, ताली। छाई, खाई, भाई। तन, मन, धन। थोड़ा, छोड़ा, घोड़ा। बन रहा है तो क्योंकि सभी का आखिरी शब्द एक ही है, तो जब हम इनको पढ़ते हैं तो यहाँ पे तुक बनता है। लाली, माली, ताली। छाई, खाई, भाई। तन, मन, धन। थोड़ा, छोड़ा, घोड़ा। तो इस प्रकार बच्चों यह थे तुक वाले शब्द। यहाँ पे हमने हर शब्द के दो दो और शब्द लिख करके इनको पूरा किया, और आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से तुक वाले शब्द बनते हैं। यहाँ पे भी आप, मैंने पढ़ा, आपको बताया, आपको समझ में आया होगा। इसको पढ़ करके आप और भी कई शब्द इस तरह के लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं हमारा अगला अभ्यास। बच्चों अभ्यास तीन है, भाषा बोध से प्रश्न तीन। यह था प्रश्न दो और अब हम करेंगे प्रश्न तीन। बच्चों प्रश्न तीन में हमारे पास है चित्रों के नाम लिखो और पढ़ो। यहाँ पे चित्र के नाम दिए गए हैं बच्चों। चित्र बना है, चित्र के नाम दिए गए हैं और चित्र के नाम को अलग अलग विभाजित करके लिखा हुआ है, उसे हमें मिलाकर लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे जो प्रश्न है हमारा तीन, चित्र, चित्र, चित्र के नाम लिखो, के, चित्र के नाम लिखो और पढ़ो, के नाम, म, नाम लिखो और र, और पढ़ो। चित्र के नाम लिखो और पढ़ो। तो यह है हमारा तीसरा प्रश्न। यहाँ हमें चित्रों के नाम को लिखना है और पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास पहला चित्र है बच्चों। पहला चित्र है सूरज का। पहला चित्र हमारे पास जो यहाँ पे है यह है सूरज का। आप देख सकते हैं पहला चित्र है सूरज का। यह सूरज का चित्र है बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ठीक है, हाँ, तो यह सूरज के नीचे लिखा है स, स पर बड़े की मात्रा सु, धन, र, धन, ज, ये हो गया सूरज। अब इसका जो हर एक वर्ण को अलग अलग लिखा हुआ है और इसको हमें जोड़कर लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सु र ज, सु धन र धन ज, या सु जमा र जमा ज, तो ये हो गया सु र ज, सु जमा र जमा ज, ये बन गया सूरज। पहला चित्र है सूरज का, तो हमने यहाँ बनाया सूरज।
उसके बाद बच्चों दूसरा चित्र है, दूसरा चित्र है मोती का। आप देख सकते हैं दूसरा चित्र है मोती का। यहाँ पे मोती है, दूसरा चित्र है मोती का, इसमें है मोती। तो बच्चों यह है मोती, यह है मोती। तो हम यहां लिखेंगे म प्लस ओ की मात्रा, मो त पर बड़ी की मात्रा ती, मोती, और मिला करके हम लिखेंगे मो ती, त पर बड़ी की मात्रा ती। ये हो गया मोती, म म पे ओ की मात्रा मो प्लस जमा त पर बड़ी की मात्रा ती, और शब्द बन गया मोती। उसके बाद अगला चित्र है बच्चों हमारे पास फूल, तो हम यहां बनाएंगे फूल का चित्र बनाएंगे। यह है फूल, यह है फूल का चित्र। अब यहां हम लिखेंगे फ, फ पर बड़े की मात्रा फू, और ल शब्द बना फू ल फूल। तीसरा चित्र है फूल का, तो चलिए थोड़ा सा हम इसे और किनारे करके छोटा छोटा लिखते हैं ताकि और भी चित्र आ जाए। यह था सूरज, सु जमा र जमा ज शब्द बना सु र ज सूरज। यह है मो, म पर ओ की मात्रा मो जमा त पर बड़ी की मात्रा ती, मोती शब्द बना मो त पर बड़ी की मात्रा ती। ये है फूल। अब यहाँ पे बच्चों सुंदर सा हम एक फूल बनाते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे फ पर बड़े की मात्रा फू, और ल फूल। यहाँ पे हमने इसको जमा ल बना फ पर बड़े की मात्रा फूल ल फूल। उसके बाद हमारे पास चित्र है घोड़े का। बच्चों यह है घोड़ा, बहुत अच्छा तो मुझे नहीं बनाने आता, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूं बनाने का। बहुत तो बच्चों यह बना घोड़ा, यह है घोड़ा, यह है घोड़े का चित्र हमने यहाँ बनाया, घर से घोड़ा। यह है घोड़ा। तो ये बन गया घोड़े का चित्र, घर से घोड़ा। अब हम यहाँ लिखेंगे घ जमा घो, घो जमा रा घोड़ा, और शब्द बना घोड़ा घोड़ा। यह है घोड़ा, घो जमा रा बना घोड़ा घोड़ा। उसके बाद है बादल, उसके बाद है बच्चों यह है बादल। ब आ की मात्रा जमा द जमा ल बादल। तो हम यहां लिखेंगे बा द और ल बादल, ये है बादल। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे हमने वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाए हैं, शब्दों के चित्रों को देख करके उनके नाम के वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाया है। तो बच्चों आप देख सकते हो पहला चित्र था सूरज का, तो स पे ऊ की मात्रा सु जमा र जमा ज ये बना सूरज, सु जमा र जमा ज ये बना सूरज। फिर मो म पर ओ की मात्रा मो जमा ती ये बना मोती, तो मोती हमने लिखा यहाँ पे मोती। उसके बाद है फू प्लस ल फूल, फू ल फूल। उसके बाद है घो जमाड़ा घोड़ा, घो
जमाड़ा घोड़ा। उसके बाद हमारे पास है बच्चों घोड़ा बादल, बा द ल, बा जमा द जमा ल, बादल शब्द बना बादल। तो इस तरह से हम वर्णों को जोड़ करके चित्र देख करके हमने शब्द बनाया। तो ये हमारा था प्रश्न 3, चित्रों के नाम लिखो और पढ़ो। हमने यहाँ पे इनको अलग अलग लिख करके मिला करके नाम बनाए और उसको फिर पढ़ा। अब उसके बाद हमारा अगला अभ्यास है बच्चों, हमारा अगला अभ्यास है तो जो हमारा अगला अभ्यास प्रश्न उत्तर है, हमने मौखिक प्रश्न तो कर लिया था, अब चलिए हम इन प्रश्नों पर एक बार पहले विचार करते हैं फिर इनको हम लिखते हैं, मतलब हम पहले इनको समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास पाठ बोध में प्रश्न थे, दो प्रकार के प्रश्न थे, एक मौखिक जिसे हमने कल कर लिया था और हमने लिखित नहीं किया था क्योंकि लिखित हम कक्षा कार्य में लिखते हैं या क्लासवर्क कॉपी में लिखते हैं। उसके बाद हमने फिर कुछ ऐसे अभ्यास किए जो कि भाषा बोध से था जिसे हमें बुक में करना था, तो पहले हमने बुक का कार्य कर लिया, अब हम करेंगे क्लासवर्क कॉपी में जो हमें करना है वह कार्य। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास दो प्रश्न है, पहला प्रश्न है लिखित में, मौखिक को हम बोलकर पढ़कर समझते हैं, अब लिखित जो है हम इसे लिख करके पढ़ते और समझते हैं और इसको हम कार्य पुस्तिका में लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है लिखित, लिखित का पहला प्रश्न है शरीर में चुस्ती फुर्ती लाने के लिए क्या करना चाहिए। प्रश्न है प्रश्न एक शरीर में चुस्ती, च पर छोटा की मात्रा, आधा स त पर बड़ी की मात्रा, चुस्ती फुर्ती, प पर बिंदी, फुर्ती लाने के लिए ल पर छोटी की मात्रा, लिए क्या करना चाहिए। अब बच्चों अगर आपको अपने शरीर में चुस्ती फुर्ती लानी है तो आपको क्या करना चाहिए, और आपको कभी ने भी बताया कि हम क्या कर सकते हैं चुस्ती फुर्ती लाने के लिए, तो बच्चों प्रश्न उत्तर है हमारा उत्तर एक में हम लिखेंगे, पहला हम शुरुआत करेंगे प्रश्न से, पहले भी मैंने आपको बताया किस तरह से हम प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, यहाँ पे भी हम शुरुआत करेंगे प्रश्न से, शरीर में म पर एक ही मात्रा, में शरीर में चुस्ती और फुर्ती, चुस्ती च पर छोटी की मात्रा, आधा स त पर बड़ी की मात्रा, चुस्ती फुर्ती फुर त पर बड़ी की मात्रा, ती फुर्ती लाने के लिए ल पर छोटी की मात्रा, लिए हमें क्या करना चाहिए के लिए हमें कसरत करना चाहिए। तो बच्चों शरीर में चुस्ती फुर्ती लाने के लिए हमें कसरत और व्यायाम करना चाहिए। तो बच्चों हमारा यहाँ पे प्रश्न है शरीर में चुस्ती फुर्ती लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कि हमने कविता में भी पढ़ा कि कवि हमें कहता है उठो और कुछ भाग दौड़ करो, तो भाग दौड़ का मतलब यहाँ पे है कसरत करना, भाग दौड़ का मतलब है यहाँ पे व्यायाम और कसरत करना। तो कवि भी चाहता है
कि हमारे जीवन का मकसद होता है जीवन में आगे बढ़ना, मेहनत करना और नाम कमाना। तो नाम कमाने के लिए हमें बच्चों, हम सोते तो रहेंगे नहीं, आलसी की तरह पड़े तो रहेंगे नहीं, हमें उठना होगा और हमें कुछ कसरत करना होगा, व्यायाम करना होगा। व्यायाम और कसरत करने से हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है और हम अच्छे अच्छे काम, हमें ताकत मिलती है बड़े बड़े काम करने के, मेहनत करने की। और मेहनत करेंगे और काम करेंगे तभी हमारा नाम होगा। तो बच्चों, इस प्रश्न में कवि कहता है, ने पूछा है कि शरीर में चुस्ती फुर्ती लाने के लिए क्या करना चाहिए। शरीर में चुस्ती फुर्ती लाने के लिए हमें कसरत और व्यायाम करना चाहिए। तो बच्चों, यह था हमारा लिखित प्रश्न और यह था हमारा पहला प्रश्न। हमने पहला प्रश्न किया क्योंकि आज के वीडियो का समय समाप्त हो गया है। कल के वीडियो में हम आगे का प्रश्न करेंगे। तो आज हमने जो भी किया आप उसे पढ़ लीजिएगा, उसका अभ्यास कर लीजिएगा और बुक के का अभ्यास बुक में करेंगे और प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ और कठिन शब्द अपने क्लासवर्क कॉपी में करेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।